डिप्रेशन अंग्रेजी का लफ्ज़ है लेकिन ये उतना ही आसान है जितना इंग्लिश में आसान है, इतना ही उर्दू में जो लोग आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसका उर्दू में सही मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादातर पजमुर्दगी, मायूसी या उदासी का मर्ज़ कह सकते हैं आप। इसमें असल बुनियादी बात यह है कि ये दिमाग के अंदर से ये कैफियत पैदा होती है, जिसमें दिमाग के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस भी होती हैं, कुछ जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनकी कमी बेशी होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हमारे बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। और सबसे बुनियादी जो इसमें दो चार चीज़ें हैं वो ये है कि इंसान की सोच मुतासर होती है, तबीयत में उदासी मूड यानी उदास ज़्यादा रहता है, खुश नहीं रहता, नॉर्मल खुशी की बातें भी उसको खुशी के को एंजॉय करने के लिए वो अच्छी नहीं लगती, खुशी के मौके पे भी वो उसमें कोई ख़ास कैफियत खुशी की पैदा नहीं होती। इसी तरह जो उसकी नॉर्मल जो काम करने की सलाहियत है उसमें उसको कमी महसूस होती है, वीकनेस, लेथार्जी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह उसके खाने पीने के मामूलात में तब्दीली की वजह से उसमें बाज़कत वज़न की कमी शुरू हो जाती है, और इसी तरह उस कैफियत की वजह से उसके बाकी जो जिस्मानी मामलात हैं उसकी नींद में खलल पैदा होना शुरू हो जाता है, खाने पीने में खलल, जिस्मानी ताकत उसके लिए छोटा छोटा काम करना बहुत पहाड़ लगता है। जब ये कैफियत होती है तो एक काम करने वाला आदमी जो आम मामूलात में वो मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है उसको और ज़्यादा परेशानी होती है कि ये मेरे साथ क्या वाकया हुआ है, और उसकी वजह से उसमें जो हम कहते हैं कि हेल्पलेसनेस यानी अपने आप को बेबस महसूस करना वो कैफियत शुरू हो जाती है। दुनिया के कामों में जब दिलचस्पी नहीं होगी तो वो गलत नतीज अखज़ करेगा, और माजी के बारे में अगर सोचेगा तो उसको पछतावा होगा बहुत ज़्यादा कि मैंने शायद बहुत गलत काम कर लिए हैं, बहुत मुझसे कोई गुनाह की बातें हो गई हैं, या मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा तो नाउमीदी उसके ऊपर छाई रहेगी कि ये काम तो मुझसे हो नहीं सकता, मेरी तो सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं, शायद अब मैं किसी काम के काबिल नहीं रहा। और मौजूदा हालात के बारे में जब उसको फिक्र आएगी तो वो कहेगा मेरे बस में तो कुछ भी नहीं रहा। इसका बहुत बड़ा जो नुकसानदेह पहलू है वो ये है कि अगर ये चीज़ प्रोग्रेस करती रहे, इसका इलाज ना हो, तो वो ज़िंदगी से मायूस हो के ज़िंदगी के खात्मे की बातें सोचना शुरू कर देता है, खुदकुशी के रुझानात उसमें पैदा होना शुरू कर जाते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर वो संजीदगी से ये सोचता है कि अब इन सारे मसाइल का हल मेरे लिए यही है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं और उनके इलाज में कोई दिलचस्पी कोई नहीं लेता या वो ख़ुद नहीं लेते तो वो उनका बड़ा खौफनाक नतीजा ख़ुदकुशी की शक्ल में बरामद होता है। यह इससे भी और ज़्यादा संगीन बात, अगर माँ डिप्रेशन का शिकार है तो वो ये समझती है कि अब मैं तो मेरी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कई दफ़ा आपने ये वाक़यात भी सुने होंगे कि माँ पहले अपने बच्चों को ख़त्म करती है, उनको दरिया में फेंक देती है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देती है। ये इतने संगीन नतायज हैं इस मर्ज़ के जिसके बारे में लाजमी लाजमी तौर पे देखना चाहिए। ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है कि डिप्रेशन का मर्ज़ इस वक्त ये WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड लार्जेस्ट मर्ज है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में डिसेबिलिटी यानी वो काम के अमली ज़िंदगी में वो कामकाज के काबिल नहीं रहते। और ये एक तज़िया है कि 2025 में जो लीडिंग काज ऑफ डेथ यानी ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद वो होगी डिप्रेशन, सुसाइड, यानी ये कार्डियोलॉजी यानी हार्ट अटैक से भी इसका पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। माशरे के तमाम तबके इसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन बिलउमूम वो तबके जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि प्री डिस्पोज ग्रुप, वो इसमें ख्वातीन का ग्रुप है, ख्वातीन में मर्दों की तादाद की नस्बत ज़्यादा तादाद में ख्वातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं।
और इसी तरह जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो बीमारी के सबब या अपनी उम्र के सबब अमली ज़िंदगी में आप वो भरपूर किरदार अदा नहीं कर सकते, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को वो तन्हाई का शिकार समझते हैं कि उनके बच्चे, उनके दोस्त यार, उनके अजीज़ वकारब अब उनके पास आने से रह गए। इसी तरह जो लोग किसी और अर्ज़े का शिकार हैं, मसलन कोई ब्लड प्रेशर का अर्ज़ा है, कोई दिल का मर्ज़ हो गया है, कोई किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी कैंसर की बीमारी हो गई है, तो वो भी फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और तो और बच्चे जिनको हम समझते हैं कि इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों में डिप्रेशन का मर्ज बहुत कॉमन होता जा रहा है। और मुख्तलिफ दुनिया में स्टडीज़ हैं और यहाँ मुजफ़्फ़राबाद में भी हमने एक स्टडीज़ जो स्कूलों में और हाई स्कूल में और कॉलेज में कंडक्ट की, उसमें 37% बच्चे शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं और उनमें से एक ख़ास तादाद 17 से 18% बच्चे ऐसों की है जिनमें ख़ुदकुशी के रुझानात पाए जाते हैं। और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि अब जो बात आपने कही है कि ये क्यों होता है, इसमें 1000 प्रॉब्लम्स हैं, 1000 मसाइल हैं जो हमारे ऊपर असरानंदाज हो रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का है, कुछ जेनेटिक रोल है यानी मौरूसी असरात होते हैं, लेकिन जो दुनिया के हालात हैं, जो इंसान की ज़िंदगी के हालात हैं, जो माहौल के हालात हैं, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे उस पर असरानंदाज हो रहे हैं और दिमागी तनाव में इजाफा के बायस बन रहे हैं, जिसके नतीजे में जब वो आदमी जो इंडिविजुअल जो वो उनको कोप नहीं कर पाता, वो उनसे पूरे अच्छे तरीके से नबरदाजमा नहीं हो सकता, तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बच्चों की जिस तरह मैंने मिसाल पेश की, बच्चे इस वक्त जो अच्छे बच्चे पढ़ाई की कंपटीशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार वो पाए जाते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि जब उन पर वो दबाव कंपटीशन की शक्ल में, पढ़ाई की शक्ल में, इम्तहानात की शक्ल में या तालीमी सहूलियात में कोई दिक्कत की शक्ल में बढ़ता है, तो वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और आपने ये देखा होगा कि आपने इससे तरह के ट्रेजी वाले मामलात का सुना होगा कि फलां बच्चा इम्तहान में पूरे अच्छे नंबर नहीं लिए तो उसने ख़ुदकुशी कर ली, फलां बच्चे ने एक मजमून में फेल हो गया और वो उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो हालांकि इसमें ऐसे कोई एंड ऑफ दी लाइफ नहीं है, एक बच्चा आज किसी मजमून में फेल हो गया तो कल मेहनत करके वो उससे बढ़ के कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन सिर्फ सिर्फ मुसलसल तनाव दबाव में रहने की वजह से, उसकी हेल्प न होने की वजह से या उसकी प्रॉपर तशखीस न होने की वजह से वो फिर इस अंतहाई नतीजे पे पहुंच जाता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ हादसात हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े वाक़यात हैं, जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर में 2005 में शदीद ज़लज़ला आया, उससे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत तब्दीलियाँ आईं, बहुत नुकसानात हुए, उसके असरात की वजह से डिप्रेशन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया था। पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक कंडीशन है जिसकी वजह से तनाव दबाव बढ़ता है और उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है, और उसके असरात की वजह से अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हैं, अपने घरों में अपनी अमली ज़िंदगी से कट के वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन सब की तशखीस, उन सब की देखभाल बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी जो नफसियाती दबाव का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, तो वो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए मनफी तरीके अख्तियार करता है। इसमें दो तरह के मनफी तरीके होते हैं, एक तो अपनी जान के नुकसान और दूसरे में दूसरों का नुकसान। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा अंतहाई स्टेप ले लेते हैं, जिस तरह एक मरीज़ मुझे अभी भी याद है कि वो ठीक होने के बाद 6-8 महीने के बाद आया बड़ी उदासी में। मैंने कहा जी आप तो अब ठीक हो गए, आप क्यों उदास हैं? कहने लगे जी मुझे अफसोस ये है कि मैं 1.5 साल पहले क्यों नहीं आपके पास आया, अब मुझे पता चलता है कि ये तो मैं डिप्रेशन की वजह से इतना परेशान रहता था और ये प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दिया, तलाक दे दी। अब वो तलाक डिप्रेशन तो काबिले इलाज है, लेकिन वो तलाक काबिले इलाज चीज़ नहीं है। इसी तरह लोग अपने कारोबार छोड़ देते हैं, लोग अपने बड़े बड़े स्टेप लेके नौकरी छोड़ देते हैं और उससे मज़ीद वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। या दूसरी तरफ से जो दूसरा मैंने पहले बताया कि जो वो दिल बर्दाश्त होकर कोई ऐसा इकदाम करते हैं कि यार मैंने तो ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं दूसरे किसी को भी ख़त्म कर दूँ, वो अपने नतीजे जो भुगने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन साथ वो
किसी दूसरे को हो सकता है कत्ल कर बैठे, हो सकता है ज़ख्मी कर बैठे, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान कर बैठे, किसी को आग लगा बैठे, किसी का और नुकसान कर बैठे कि मैं तो इस परेशानी का शिकार हो गया हूँ तो अब दूसरे क्यों आराम में रहें जिनकी वजह से मैं परेशानी का शिकार हूँ। इसी तरह चोरी चकारी का एलिमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा है कि या उसमें जो मिसकंडक्ट का दूसरे के साथ रवैयों का गलत इस्तेमाल, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो इसमें ये इन पेचीदियों में पढ़ने से पहले उसकी तशखीस हो जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात हो जाती है कि प्रिवेंशन इलाज से बहुत बेहतर है। यानी इब्तदाई तशखीस हो जाए, पहली बात तो ये है कि हम एक माशरे में तवाज़ुन का अमल रखें, अपने रवैयों में, अपनी ख्वाहिशात में, अपनी सोच में, अपने काम काज में एक तवाज़ुन होना चाहिए। ज़रूर मेहनत करें, हर इंसान अच्छे से अच्छी की तरफ कोशिश करे लेकिन अपने हालात अपने वसाइल के मुताबिक। और नंबर दो, अपनी जो अल्लाह की तरफ रजू करे, कनात का रवैया अख्तियार करेगा तो उसके ऊपर बहुत सारे दबाव ऐसे हैं जो आएंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आदमी भी इसका शिकार होता है तो सबसे पहले उसको अपने काम काज में फ़र्क महसूस होता है। उसके पढ़ाई करने वाला बच्चा है तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा, उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी कमज़ोर होती जाएगी, उसकी हिम्मत ताकत थकावट में, जिस तरह अभी भी एक बच्ची आई हुई थी कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है और मैंने एफ ए के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। अब बेसिकली वो याददाश्त कमज़ोर नहीं है, वो डिप्रेशन की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है तो उसको परेशानी हो रही है। इसी तरह कोई आदमी कारोबार कर रहा है तो वो उसके काम में दिलचस्पी कम हो जाएगी, उसकी नौकर है मुलाजमत है तो हाज़िरी में कमी हो जाएगी। दूसरी बात, उसकी नींद में, उसके खाने पीने में, उसकी लोगों में मेल जोल में, उसकी जनाब सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो उसको जो ही ये महसूस हो किसी आम आदमी को, उसको लाजमी अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी, किसी दोस्त के साथ भी ये डिस्कस करना चाहिए और उसको फिर फौरी तौर पे किसी नफ्सियाती मालिक से भी रुजू करना चाहिए। नंबर दो, घर वालों की, उसके दोस्तों की जिम्मेदारी है कि देखते हैं कि अपना बहन भाई, अपना कोई बच्चा या अपना कोई बुज़ुर्ग इन तब्दीलियों का शिकार है तो उसको उनको लाजमी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इब्तदाई तशखीस बर वक्त हो जाए तो उसके इलाज में इंतहाई आसानी हो जाती है। नंबर दो, उसमें जो इलाज में जो एस्पेक्ट हैं वो तीनों एस्पेक्ट, तीनों तरीके लाजमी पूरे करने चाहिए कि जो अद्वियात डॉक्टर तशखीस करता है वो रेगुलर खानी चाहिए, काफ़ी अर्सा खानी चाहिए, ठीक होने के बाद भी वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बंद नहीं करनी चाहिए ताकि दोबारा तकलीफ़ का शिकार ना हो। नंबर दो, अपने मामूलात में एक तवाज़ुन रखें, सैर तफरी भी, नमाज भी, गपशप भी और काम भी और साथ साथ आराम भी। और तीसरी बात यह है कि फैमिली का, फ्रेंड्स का रोल यह है कि वो ऐसे आदमी को ज़िंदगी के दायरे में दोबारा इनक्रेज करें बजाय इसको बीमार बना के घर बिठा लें कि उफ़ो ये तो बीमार हो गया, ये किसी काम के काबिल नहीं है। उसको इनक्रेज करें दोबारा ज़िंदगी के दायरे में वो प्रोडक्टिव अपना कारामद रोल अदा करे तो ये कोई मसला नहीं है कि वो आदमी दोबारा ज़िंदगी में उतना भरपूर किरदार अदा ना कर सके, वो उसी तरह बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं जिस तरह वो पहले किरदार अदा करें। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अवेयरनेस, देखिए लोगों की आगे ही अभी तक नहीं है। कई लोग, मैंने जिस तरह मैंने अभी एक मिसाल दी, कई लोग बड़े बड़े नुकसानदेह फैसले कर बैठते हैं और उसके बाद अगर वो इलाज हो गया तो वो नुकसानदेह फैसले का उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इब्तदाई तौर पर आगाही बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हर लेवल पर, स्कूल के लेवल पर, तालीम इदारों के लेवल पे, और इसमें मीडिया का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह आज दुनिया न्यूज़ बहुत अहम पहलू पे एक प्रोग्राम कर रही है तो इसके सुनने वाले देखने वाले लाजमी उनको मालूमात में इजाफा होगा और वो एक से दूसरे को ये मालूमात दें। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ आपकी तौसल से कि स्टिग्मा यानी इसको एम ना बनाया जाए। क्या कोई आदमी ऐसा है जिसको शुगर है और वो अपना इलाज नहीं करता, वो ऐप बना के घर बैठा जाता है, बैठ रहता है? क्या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट अटैक हुआ है तो वो उसको ऐप बना के घर में छुप के बैठ जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी काबिल इलाज बीमारी है और ये भी काबिल इलाज बीमारी है। इसमें मशवरा करके अपनी
ज़िंदगी को खुशहाल बनाए तो ये फ़ायदे की बात है, बजाय इसके कि अपनी भी और अपने अहल व याल की ज़िंदगी को भी आप परेशानी का शिकार कर दें, ये गलत बात है।